नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा महोदय के मार्गदर्शन पर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव जितेंद्र शुक्ल महोदय के निर्देशन पर जिला राजनांदगांव के अनुभाग राजनांदगांव खेरागढ़ डोंगरगढ़ पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों के अवैध शराब की कार्रवाई हेतु पृथक पृथक टीम बनाकर थाना खेरागढ़ थाना डोंगरगढ़ थाना घुमका के रेड में कार्रवाई की गई, जिसमें गाता पारकला में मनीष राजपूत ने अवैध शराब की 600 पेटी के जखीरे को अपने ही गांव के प्रमोद राजपूत के घर मकान के गोदाम में रखवाया था, जिसके एवज में मनीष राजपूत को प्रमोद को प्रति पेटी 100 रुपए की दर से भाड़ा देने की बात कहकर रखवाया गया था। इसी बीच 600 पेटी में से चुमन सिंह को मनीष राजपूत ने 150 पेटी देकर 1.5 लाख रुपए नकद लेना बताया। गांव के ही दिलीप वर्मा को 50 पेटी शराब देना और 70,000 रुपए नकद लेना बताया एवं परदेशी सैन को 20 पेटी शराब, हरीश साहू व भूपेश कोथरे को 50 पेटी शराब, बाकी चिल्लर पेटियों में भी आए लोगों को लगभग 100 पेटी बिक्री करना बताया। बाकी बचे 227 पेटी को उसी गोदाम में रखा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया। बाइट जितेंद्र शुक्ला, एसपी राजनांदगांव, रिपोर्टर शेखर यादव। भारी मात्रा में बनती है, वो हर उस गांव में जाके बैठक लेंगे गांव के साथ और गांव से एक समिति बनाएंगे जो जिम्मेदारी तय करेगी कि नई कच्ची दारू नहीं मिलेगी। और वो एक सामाजिक समस्या है और उसको हम आपराधिक तरीके से नहीं, सामाजिक तरीके से बैठक लेके उसको निपटाएंगे। सर, बॉर्डर में क्या व्यवस्था की है? सर, राजमा को जो देश से लगे हुए यूपी और महाराष्ट्र से बार बार बोलिए, सर क्या व्यवस्था की है? बॉर्डर पे नाके पे पूरी पुलिस व्यवस्था है, पिछले एक महीने से चली रही है लॉकडाउन के समय में, और इस एक कार्रवाई के बाद से मुझे उम्मीद है कि लोग छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, खासकर राजनांदगांव बॉर्डर में घुसने में, कम से कम अवैध व्यापारी लोग घुसने में थोड़ा सा डरेंगे। क्रम में कल जो उसके मेन अभियुक्तों के नाम आ रहे थे, उसमें से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पे और जिनके पूछताछ पे पूरे प्रकरण का और डिटेल में जानकारी प्राप्त हुई कि पूरा 600 पेटी आई कैसे और वो 600 पेटी में बटा कहाँ कहाँ पे। उसी बेस पे कल भी एक जगह पे छापा मारा गया, जहाँ से 90 पेटी का एक और मतलब बड़ा डंप जो है वो बरामद किया गया, और इसी प्रक्रिया के तहत तो डिफरेंट जगह से डंपिंग बरामद करना और जिनका पीछे पीछे संलिप्तता आ रही थी, उसके तहत 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 लोगों को सॉरी, तो टोटल गिरफ्तारी अभी तक उस दिन की 7 को लेके आज 5 को लेके टोटल 12 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और लगभग 430 पेटी के आसपास अभी तक दारू जब्त की जा चुकी है, और कुछ और भी उम्मीद है कि 30-40 पेटी अभी और भी हम जब्त करेंगे जो इन लोगों की निशानदेही और इनके सूचना पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है? सॉरी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी, दो वो बंदे जो पहले दिन 30 पेटी निकली हुई थी जिसमें से 15 छोड़ के भाग गए थे, उन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज है परदेशी सेन और पदम, तो वो दोनों अभी अरेस्ट नहीं है, उनका नाम FIR में है। धार के खिलाफ, धार में भी जहाँ से ये दारू निकली है, जांच करके कौन उसके लिए जिम्मेदार।